आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल हुई थी ईडी की, एनसीबी की, सीबीआई की, उसका रिजल्ट क्या निकला है। ईडी ने क्या बोला रिया के बारे में, सीबीआई ने क्या बोला रिया के बारे में, और एनसीबी ने क्या किया रिया के बारे में, और वो कहां तक केस पहुंचा और उसका रिजल्ट क्या निकला अब तक। पहली बात करता हूं ईडी की। 17 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के खाए, ये केस दर्ज किया था सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में, राइट। और उसको ड्रग्स देती थी और रिया ने ही उसका कत्ल किया है या रिया ने ही उसको ड्रग्स दे के मारा है, ये इस टाइप का एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का, नॉट मर्डर, एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया था सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। तो ये पूरे के पूरे केस में क्या हुआ, तो पहली बात ईडी की करता हूँ। ईडी में 17 करोड़ रुपए का मामला दर्ज हुआ था, तो ईडी ने सीए, सुशांत का सीए, रिया का सीए, बैंक अकाउंट्स वगैरह सारे चेक किए। ईडी को पता नहीं क्यों नहीं मिला कुछ भी। ईडी बोल रही है कि कोई भी पैसा हमें ट्रांजैक्शन में रिया के खिलाफ नहीं मिला। अब ये ईडी कह रही है, हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ये कह रही है सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े मामले में कि 17 करोड़ रुपए का कोई भी ट्रांजैक्शन हमें रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत का नहीं मिला। तो यहाँ पे ईडी की तरफ से रिया चक्रवर्ती पूरी की पूरी फ्री हो गई है। दूसरी बात करता हूँ एनसीबी की। एनसीबी की तरफ से रिया चक्रवर्ती को जेल भी हुई थी, 1 महीना रिया चक्रवर्ती जेल में रही, शोवेक चक्रवर्ती उसका भाई 3 महीने जेल में रहा, शोवेक चक्रवर्ती ड्रग पेडलर से कनेक्शन में था ये साबित हो चुका था, रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर से कनेक्शन में नहीं थी, लेकिन शोवेक से बुला के, दीपेश सावंत से बुला के रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी, ये बात कई सारे व्हाट्सएप चैट में दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने कोई एक्शन बड़ा स्ट्रांग नहीं लिया। 1 महीना जेल हुई, उसके बाद कोर्ट में बातें चलती रही, लेकिन इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब उसके बाद दो साल पहले रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले अबू धाबी में एक शो था, वहाँ पे गई तो नहीं थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने की परमिशन दे दी थी एनसीबी ने कि आप बाहर जा सकते हो, देश के बाहर, देश छोड़ के जा सकते हो। बल्कि सीबीआई ने उसको उस समय खिलाफ बोला था कि एनसीबी को ऐसा नहीं देना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए, सिर्फ एनसीबी की नहीं सीबीआई की भी जाँच है, तो रिया चक्रवर्ती देश छोड़ के भाग सकती है, इसलिए सीबीआई ने रोक लगाई थी। लेकिन फिर भी उसको परमिशन दे दी थी एनसीबी की तरफ से। अब एनसीबी ने जो परमिशन दे दी थी उसके बाद अब एनसीबी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती इस चक्कर में है ही नहीं। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में बोला, साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन बोला है कोर्ट में कि नहीं, मैं तो सुशांत के बोलने पे सुशांत को ड्रग्स लेती थी, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें, मैं तो ड्रग्स लेती नहीं, ये रिया चक्रवर्ती ने बोला है। उसके बाद अब रिया एनसीबी की तरफ से तो मैक्सिमम 99% फ्री है, थोड़ा सा कुछ क्लेम्स वगैरह है वो निकल जाएगी रिया, क्योंकि 19 लोगों को फ्री कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी ने। अब मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत जो ड्रग्स से दूर दूर तक कनेक्शन में नहीं था, उसको ड्रग्स जबरदस्ती दिलाई जा रही थी, वो रिया चक्रवर्ती एनसीबी की तरफ से मैक्सिमम फ्री हो गई है। अब मुझे बताइए सीबीआई की बात करता हूँ, सीबीआई की तरफ से रिया चक्रवर्ती को बुलाया था, उसका समन दिया था, उसके स्टेटमेंट लिए थे, वो सारी चीज़ें की गई थी जब शुरुआत में हुई थी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने बुलाया ही नहीं। लेकिन अब कोर्ट में 1 महीना पहले न्यूज़ आई कि कोर्ट में बोला है, सीबीआई को डांट लगाई कि आपने रिया के खिलाफ कोर्ट वो दर्ज कैसे किया केस, ये कोर्ट बोल रहा है सीबीआई को कि आपने रिया के खिलाफ ये केस दर्ज कैसे किया, रिया बिल्कुल इनोसेंट है, ये केस खारिज करो रिया का, ये कोर्ट बोल रहा है सीबीआई को डांट लगा के। आप बताओ, इतने सारे स्टेटमेंट होने के बाद, महेश भट्ट के साथ व्हाट्सअप होने के बाद, उसको ड्रग्स दे दो, ये करो वो करो, 50 चीज़ें होने के बाद, 10 सारे कितने सारे गवाह सामने आ गए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 13 जून को भी वहाँ पे थी, वो तो चलो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती सॉरी बाबू ये वो सारी 50 चीज़ें सामने आई है, फिर भी कोर्ट कैसे बोल सकता है सीबीआई को कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपने कैसे दर्ज, ये चल रहा है दुनिया में। मतलब सुशांत सिंह राजपूत चला गया तो उसके साथ खिलवाड़ चल रहा है बेचारे के साथ, उसके कातिल तो आराम से घूम रहे हैं, उस जिन लोगों ने उसको परेशान किया वो भी अभी सर पे बैठ के नाच रहे हैं। रिया अपना ब्रॉडकास्ट कर रही है, कभी सुष्मिता सेन को, कभी आमिर खान को, बड़े बड़े लोगों को बुला के, और वहाँ पे बोलती है कि मैं तो दुखियारी हूँ, मैं तो, मेरे को तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी सुशांत ने और उनके फैंस ने, और ये सब चल रहा है। ये है तीनों की तीनों रिपोर्ट, ईडी ने फ्री कर दिया, एनसीबी ने फ्री कर दिया, सीबीआई को डांट लगी है कोर्ट की तरफ से, तो फिर रिया कम्प्लीटली फ्री हो गई। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही चल रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है।
आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ ना हो बोलने के लिए तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद।